हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और इसकी नवीनतम डेट शीट कब जारी होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, इसका एग्जाम कब होगा, क्या दोस्तों कोरोना की वर्तमान स्थिति है और ये निर्णय क्यों लिया गया है, दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र होंगे प्रमोट। देखिए दोस्तों, लोकल क्लास के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया है राजस्थान सरकार ने, तो देखिए राजस्थान सरकार ने 8वीं, 9वीं, 11वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट करने का आदेश दिया गया है और फिलहाल दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की है और दोस्तों इसकी नवीन डेट शीट जारी कर दी जाएगी जब भी कोरोना की स्थिति सामान्य होगी। हाल फिलहाल इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों इसकी डेट शीट कब आएगी, क्योंकि कोरोना की भयावह स्थिति के चलते अभिभावक वगैरह चिंतित थे कि इतनी अगर कोरोना की स्थिति में है तो दोस्तों बच्चे कैसे एग्जाम देने जाएंगे, जिसके चलते माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी महोदय ने निर्णय लिया है और कक्षा प्रथम से लगाकर 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट तथा बोर्ड के विद्यार्थियों यानी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को आगे टाला गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी यहाँ स्थगित कर दी गई, यानी 8वीं बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल रद्द कर दी गई, उनको 9वीं में प्रमोट करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का क्या ट्वीट है, इसको लेकर आपको बताते हैं। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, यहाँ देखिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का एक घंटे के पहले का ट्वीट है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मामले रोजाना आ रहे हैं और पिछले 10 दिन में राजस्थान में बहुत ज़्यादा मामले आने के कारण दोस्तों राजस्थान में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया था। पहले कुछ जिलों में लगाया गया, फिर संपूर्ण लगाया गया और उसके बाद लगातार दोस्तों शिक्षा विभाग के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसको संदर्भ में दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी आगे टाली गई है। CBSE बोर्ड ने भी आज दोपहर में इसका फैसला लिया, उन्होंने बिल्कुल दोस्तों 10वीं की परीक्षा रद्द भी कर दी और 12वीं की उन्होंने स्थगित की है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हाल फिलहाल स्थगित की है और इसकी नवीनतम डेट शीट जारी कब होगी इसके बारे में अभी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी समय लग सकता है। जब भी कोरोना की सामान्य स्थिति होगी सरकार अवश्य निर्णय लेगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों 1 जून को एक बैठक हो सकती है, उसमें क्या निर्णय लेंगे वो जरूर आपको हम बताएंगे दोस्तों। आगे देखिए और क्या है माननीय अशोक जी गहलोत का ट्वीट, इसी के साथ राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को 9वीं, कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को 10वीं तथा 11वीं के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का भी फैसला ले लिया गया, यानी 8वीं के छात्रों को 9वीं, 9वीं के छात्रों को 10वीं और 11वीं के छात्रों को अगली 12वीं क्लास में प्रमोट करने का फैसला भी ले लिया गया है, जो पूर्व साल में भी लिया गया था, पिछले साल भी ऐसे लिया गया था। लेकिन आपको याद दिला दोस्तों, पिछले साल भी कोरोना की जब भयावह स्थिति थी और संख्या जब लाखों में थी तब भी राजस्थान बोर्ड के 2 एग्जाम बचे हुए थे और उन 2 एग्जाम को राजस्थान सरकार ने 10वीं कक्षा के 10वीं और 12वीं के एग्जाम को करवाया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार कब भी करवाओ, जब भी स्थिति सामान्य होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा अवश्य होगी। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें और सफलता के उच्चतम स्तर तक पहुँचें। बिल्कुल दोस्तों, आप घबराए नहीं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अब हम पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। आपको रेगुलरिटी से अपनी स्टडीज जारी करनी है और आराम से आप पढ़ते रहिए दोस्तों, जब भी स्थिति सामान्य होगी एग्ज़ाम आपका अवश्य होगा। देखिए प्रेस नोट, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से लगातार वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित, 8वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। जयपुर 14 अप्रैल, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को 9वीं, कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को 10वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत की शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के बाद ही निर्णय लिया गया है, जो छात्र इसमें एक अच्छा निर्णय है। लेकिन दोस्तों आपको रुकना नहीं है, क्या आपको रुकना नहीं है दोस्तों, आपको लगातार अपनी तैयारी को जारी
जारी रखना है, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों सफलता कोई जहर नहीं है, जो नहीं मिलेगी बिल्कुल सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ रीट परीक्षा पर भी खतरे के बादल मंडराने लगने शुरू हो गए हैं, साफ स्थिति जाहिर हो रही है। दोस्तों रीट जो 20 जून को प्रस्तावित है वो दोस्तों आगे सरक जाएगी, ये पूरी उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों सरकार को अभी दोस्तों ये बोर्ड परीक्षाएं अभी तो स्थगित की है, तो CBSE बोर्ड का एग्जाम भी करवाने हैं दोस्तों, RBSE के भी करवाने हैं, तो साफ जाहिर है दोस्तों आगे डेट बढ़ सकती है। क्योंकि इन दोनों का एग्जाम रीट और 10वीं 12वीं का एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर करा रहा है। उम्मीद करता हूँ न्यूज अच्छी लगी हुई, ऐसी न्यूज और लेटेस्ट शिक्षा विभाग की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। न्यू है चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।